हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है, बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा, मतलब कि डायरेक्टली आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अप्लीकेशन फीस 0 रुपए, फ्री का ये फॉर्म है, तो हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल एलिजिबल रहेगा। पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पोजीशन देखने को मिल जाएगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की पोजीशन देखने को मिलेगी। टेक्निकल पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल में आप बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस के बारे में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई इसी बात पर, यार वीडियो को लाइक कर देना, जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा बस 500+ लाइक करवा देना है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात करते हैं यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन के बारे में ही बता देता हूं कि जूनियर इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का पोजीशन रहेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन रहेगा, और नॉन टेक्निकल की भी पोजीशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी, जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, अप्रॉक्स आपको 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन फीस रखा गया है वो आपका यहाँ पे फ्री रखा गया है, मतलब कि इसको 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री का ही फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको वेन्यू पे जाना है और अपने इंटरव्यू को यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्या जॉब लोकेशन रहेगा, क्या सिटी से रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को जरूर से कमेंट कर देना, आप अपने ट्रेड को जरूर से कमेंट कर देना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली आपको फायदा हो। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का, जल्दी से जाके इनको ज्वाइन कर लेना। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुंच जाएंगे। अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप आराम से अप्लाई कर पाए। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वेबकॉस्ट लिमिटेड की तरफ से, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये वर्क करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सामने एक ऑप्शन दिखेगा कैरियर का, तो आपको इस कैरियर वाले पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो जितनी भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो वन बाय वन हम फर्स्ट और सेकंड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। पहले जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बीबीटेक की वैकेंसी के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे जारी कर दिया गया है। बेसिकली जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका महाराष्ट्र का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही इनके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, वो इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेन्यू पे, और जो आपका डेट दे रखा है वो आपका दे रखा है 27 नवंबर के वॉक इन इंटरव्यू चलेगा, संडे के दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू यहां पे होने वाला है। टाइम यहां पे
दे रहे हैं कि आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपका वॉक इन इंटरव्यू देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए वेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे भी जो वेन्यू रहेगा आपका पुणे का वेन्यू देखने को मिलेगा। पुणे की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, मतलब पुणे आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको वॉक इन इंटरव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कंपनी रहेगी वो आपकी रहेगी मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, वेबकॉस लिमिटेड, ये आपका जल शक्ति के अंदर वो करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर दे रखा है, पूरा चार्ट दे रखा है, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, मतलब कि आपका पोजीशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहेगा, इस सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। डायरेक्टली चलते हैं वैकेंसी की तरफ। जो पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर सिविल ब्रांच एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 22 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आपने यहाँ पे BBTech किया है सिविल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 3 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। अगर आपने किसी प्राइवेट MNC में भी काम किया है 3 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक आपका सैलरी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजर का मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आपने BBTech किया है मैकेनिकल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगे और आपका सैलरी रहेगा 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपका सैलरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे जो निकाला गया सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर आपने BBTech किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया, 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। यहाँ पे सैलरी आपको 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, तो अगर आपने यहाँ पे BBTech के इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल तक का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सैलरी आपको 30,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी देखने को मिलेगा और टाइपिस्ट का वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन किया किसी भी डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी जो रहेगा आपका 16,000 रुपये तक सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्होंने मेंशन कर दिया कि ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस है, लाइक अगर आपको किसी प्राइवेट MNC के अंदर एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट बहुत अच्छी खासी दी गई है, 65 साल तक एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट आपका जो पोस्टिंग रहेगा वो आपका महाराष्ट्र लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र लोकेशन के अंदर इनके अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे डेट मेंशन की गई है 27 नवंबर को आपको जाना है। ये जो लोकेशन रहेगा इस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम डिप्लोमा कैंडिडेट की वैकेंसी के बारे में, जिसका भी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो BBTech और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट के लिए देखने को मिल जाएगी। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वेबकॉस लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ ये काम करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन के बारे में, तो आपको जॉब लोकेशन जो देखने को मिलेगा वो अजमेर राजस्थान का जॉब लोकेशन यहाँ पे आपका रहने वाला है। पूरा यहाँ पे मेंशन किया है, पूरा एक चार्ट दिया है जिसमें इन्होंने बता रखा है सीरियल नंबर क्या रहेगा, नेम ऑफ पोस्ट आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई, तो अगर आपने डिग्री किया आर्किटेक्चर के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे BBTech किया 4 साल का आप एलिजिबल रहेंगे, सिविल के अंदर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एनवायरमेंट के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, जो कि यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आपने BBTech किया सिविल के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल तक का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ऑटोकैड ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर अगर आपके पास BBTech है आप एलिजिबल रहेंगे, कंप्यूटर साइंस के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, या फिर अगर आपके पास सिविल के अंदर डिप्लोमा है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज आपको होना चाहिए ऑटोकैड का, यहाँ पे जो मांगा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो आपका अजमेर लोकेशन पे देखने को मिलेगा, मतलब कि राजस्थान की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे पूरा एक CV का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, इसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, उसको आपको फिल करना है।
पूरा आराम से फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा इसका लिंक। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो दो मेल आईडी दे रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है, पहली मेल आईडी और दूसरी मेल आईडी, दोनों मेल आईडी पे आपको क्या करना है, इस सीवी को आपको फिल करके आपको यहाँ पे सेंड कर देना है डायरेक्टली। और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।